गर्मियों के मौसम में अक्सर डाइजेशन से जुड़ी समस्या हो जाती है। ऐसे में आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं सोडा पानी पी लो, ठीक हो जाएगा। ये सच भी है कि गर्मियों में सोडा पानी आपको काफी रिफ्रेश फील कराता है और खाना डाइजेस्ट करने में भी आपकी मदद करता है। लेकिन अगर किसी भी चीज की जरूरत से ज्यादा सेवन किया जाए तो हमारे लिए उसका नेगेटिव इफेक्ट भी छोड़ता है। ऐसा ही कुछ सोडा वाटर के साथ भी है। आइए जानते हैं हम आज इस वीडियो में कि किस तरह से ये खाना डाइजेस्ट करने में मदद करता है और किस तरह से इसका ज्यादा सेवन करने से हमें नुकसान पहुंच सकता है। डाइजेशन में सुधार के लिए सोडा वाटर। गर्मियों में अगर आपको भी डाइजेशन की समस्या होती है तो आप ऐसे में सोडा पानी पी सकते हैं, क्योंकि सोडा पानी को कार्बोनेट वाटर कहा जाता है और इसको पीने से डाइजेशन में सुधार हो सकता है। वहीं कब्ज से राहत पाने के लिए सोडा वाटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल कब्ज जब होता है जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ऐसे में पानी की कमी को पूरा करने के लिए आप सोडा वाटर को भी पी सकते हैं। गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर में कई तरह के बैक्टीरिया भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में सोडा वाटर में नींबू मिलाकर भी आप पी सकते हैं। इसके सेवन से पेट साफ रहता है और पेट भी भरा भरा रहता है। इसके अलावा सोडा वाटर से वजन घटाने में भी मदद मिलती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ये फायदा ही पहुंचाए। अगर आप इसे अधिक मात्रा में लेते हैं तो ये आपके लिए समस्या का सबब बन सकता है। सोडा वाटर को जरूरत से ज्यादा पीने से इसके उल्टे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। आपका मोटापा भी बढ़ सकता है। वहीं सोडा पीने से आपके मुंह में ऐसे बैक्टीरिया जमने लगते हैं जो आपके दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सोडा पानी में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है जो हड्डियों को कमजोर कर देता है। ऐसे में जिन लोगों की हड्डियां पहले से ही कमजोर है या फिर उन्हें कमजोर हड्डियों की शिकायत है, वो इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। जरूरत से ज्यादा सोडा पानी पीने से फैटी लीवर की भी समस्या हो सकती है, इसलिए इसका अधिक सेवन गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस की समस्या को भी जन्म देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।